हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे आईएएस ऑडिट प्रोसेस, यानी इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने जाना था आईएएस ऑडिट प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन की ऑडिट प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट प्रोसेस है। और बेसिकली हमारा इन एम्फेसिस यहाँ पर सीआईएस में है, कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम के आने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जो बॉटलनेक्स थे वो हटते चले गए। और क्यों हटते चले गए, हमने जाना था कि पहले एक अकाउंटेंट होता था, उसकी किताबें होती थी, डेटा उसी किताब में रहता था, बहुत मुश्किल से निकलता था। आज की डेट में डेटा आपका कॉमन ड्राइव में रहता है, मिनटों में उसे कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, मिनटों में उसे मेल के थ्रू कहीं भी भेजा जा सकता है। तो डेटा मूवमेंट में है, फास्ट मूवमेंट में है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी आ गई। अब हम ये ऑडिट करने जा रहे हैं, ऑडिट हम वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑडिट में कुछ प्रस्पेक्टिव चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर दो टाइप के रिस्क बढ़ जाएंगे, पहला रिस्क ऑडिटर को होगा, दूसरा रिस्क कंपनी को होगा। कंपनी का रिस्क हमें पता लगाना है, एज अ ऑडिटर हमें अपना रिस्क कम करना और कंपनी के रिस्क की सही जानकारी कंपनी को देनी है। यानी कंपनी का रिस्क कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा काम यह ओपिनियन देना और हमारा अपना रिस्क है। रिस्क ऑडिट रिस्क तीन टाइप का हो सकता है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। यानी इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, तीनों रिस्क को जोड़ देंगे तो वो ऑडिट रिस्क में तब्दील हो जाएगा। तो यानी एज एन हमारे ऑडिट रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। पहली चीज़, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, ऑडिट रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हम जानते हैं हमारी है, ऑडिटर की है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर की है। मैनेजमेंट को आईटी रिस्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट की है। बेसिकली रिस्क असेसमेंट करना हमारा काम है, रिस्क मैनेजमेंट करना उनका काम है। वो अपने रिस्क को मैनेज करेंगे, उस रिस्क को असेस हम करेंगे। नो डाउट उन्हें भी रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा अपना, लेकिन रिस्क असेसमेंट हमें करेंगे, उनके रिस्क को असेस करना हमारा काम है और उसको ओपिनियन देना कि ये रिस्क है, सही ओपिनियन देना हमारा काम है। हमारा रिस्क वहाँ पर आता है कि हमने सही ओपिनियन नहीं दी, क्योंकि हम ऑडिटर हैं, हमारा काम ओपिनियन देना है, वो हमारा ऑडिट रिस्क है। तो तीन टाइप के रिस्क हो सकते हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। उसके अलावा हमने ये जाना था कि इंफॉर्मेशन आईटी ऑडिट में, आईटी ऑडिट करने जब हम जा रहे हैं तो बेसिकली रिस्क बेस्ड अप्रोच हो जाती है। आईटी जहां है वहां तो सिस्टम में रिस्क, उसको जब ऑडिट करते हैं, जब सिस्टम को ऑडिट करते हैं, वहां प्योरली रिस्क बेस्ड अप्रोच हो जाती है, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है, कंट्रोल्स उसके अगेंस्ट लगाने पड़ते हैं। तो हमने ये बोला दो चीजें होती है, एक तो रिस्क बढ़ता है और एक उसी के करस्पॉन्डिंग हमें कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं। तो बेसिकली जब हम ऑडिट प्लानिंग करते हैं, जब हम ऑडिट करते हैं, तो हमारा बेसिक प्रमाइसिस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, अप्रेजल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को अप्रेज करते हैं, यानी रिस्क असेसमेंट होता है। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का अप्रेजल क्या हुआ, रिस्क असेसमेंट, मतलब राइट टर्म क्या है, अप्रेजल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। यानी जो रिस्क असेसमेंट करना हमारा काम है, रिस्क मैनेजमेंट करना उनका काम है, मतलब जो कंपनी है उसका काम है रिस्क मैनेजमेंट करना, उसका रिस्क मैनेजमेंट सही है कि नहीं सही, उसका अप्रेजल करने का काम हमारा है। तो कहने का मतलब यह है, हमें यह पता होना चाहिए एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्या है मैनेजमेंट के लिए, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट हर जगह में एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क करेगा, और वो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क तक, वो रिस्क है कि नहीं है, उससे ऊपर तो नहीं है रिस्क। अगर उसके ऊपर है तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई एक्सेप्टेबल लेवल से ऊपर है रिस्क, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ है, मॉड्यूल्स में हमने जो मॉड्यूल्स हैं उसमें दिया हुआ है। तो हमारा बेसिक प्रमाइसिस आईटी ऑडिटिंग का, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग का, सीआईएस का, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग का, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का नहीं, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का, टेक्निकली हमारी बुक में इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट ही लिखा हुआ है, लेकिन वो बेसिकली कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है। और जब कंप्यूटराइजेशन आ जाता है तो पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, बलती ही तभी हैं जब चीज़ें कंप्यूटराइज होती हैं, ऑटोमेट होती हैं। तो जो हम ये चीज़ हमें बहुत ध्यान से रखने की बात है, कई जगह पर बड़ा कन्फ्यूजन होगा, आईएएस मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम एक इंफॉर्मेशन फ्लोज क्रिएट कर रहा है, वो मैनुअल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम आईएएस सिस्टम की बात करेंगे तो सीआईएस सिस्टम की बात करेंगे, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करेंगे। ये डिफरेंसेस हमें ध्यान देने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखते लिखते क्या होता है, जो राइटर किताब लिख रहा होता है तो क्या है, वो धीरे धीरे लिख रहा होता है और
लिखते लिखते वो भूल जाता है CIS लिखना, वो IS लिखना स्टार्ट कर देता है और एज्यूम करने लगता है कि आप ये समझोगे ये कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट है। टेक्निकली देखा जाए IS सिस्टम मैनुअल भी हो सकता है, नॉन मैनुअल भी हो सकता है। यहाँ पर हम ऑटोमेटेड की बात कर रहे हैं, नॉन मैनुअल की बात कर रहे हैं, यानी ऑटोमेटेड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर रिस्क कंपनी के अंदर ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं। अब उसका रिस्क बहुत बढ़ गया, क्यों बढ़ गया ये इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। और चूँकि उसका ह्यूमन में क्या होता है, ऑटोमेटेड में क्या होता है, डिस्कशन कर चुके हैं हम, ये जान चुके हैं कि ऑटोमेटेड ह्यूमन बींग में क्या होता है, ह्यूमन बींग में क्या होता है कि उसका एक लिमिटेड वो डेटा वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है और रिस्क को एक लेवल से ज़्यादा नहीं जाने देता है, फ्रॉड एक लेवल से ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि उसे बचना है। सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, सिस्टम पूरी डेटा वाइप ऑफ हो सकता है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो गया तो अचानक एक दिन सारा डेटा वाइप ऑफ हो गया, वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है। और जब रिस्क चालू होता है तो वो डेटा वाइप ऑफ करता चला जाता है, वो रोकता नहीं है, वो एल्गोरिथम में काम करता है, वो एक सॉफ्टवेयर से काम करता है। वायरस आता है तो अगर वहाँ एंटीवायरस नहीं लगा, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स नहीं लगे, फायरवॉल्स नहीं लगे, अलार्म सिस्टम्स नहीं लगे, तो पता ही नहीं चलेगा, पूरा डेटा वाइप ऑफ हो जाएगा और वो होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वहाँ पर रिस्क बहुत बढ़ गया, मैसिव रिस्क इंक्रीज़ हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा बेसिक प्रीमाइसिस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट का अप्रेजल। किसके रिस्क मैनेजमेंट का अप्रेजल, ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क मैनेजमेंट का अप्रेजल। और वो सही अप्रेजल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमारा ऑडिट रिस्क है। हमारा ऑडिट रिस्क तीन टाइप का है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा ऑडिट रिस्क हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें भी इनहेरेंट रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेरेंट रिस्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनहेरेंट रिस्क की वजह से ये सारे रिस्क पैदा हुए हैं। क्योंकि सिस्टम में आईटी आते ही रिस्क का पैराडाइम बढ़ गया, जैसे ठीक उसी तरीके से जैसे एक डेटा वेयरहाउस है, डेटा वेयरहाउस अगर सीमेंट का बना है और एक डेटा वेयरहाउस लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है तो आग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इनहेरेंट रिस्क आ जाएगा। इसी तरीके से एक कॉपी किताब में आप खाते मेंटेन करते हो, पुरानी स्टाइल से बुक्स मेंटेन करते हो, कैश बुक मेंटेन करते हो, और एक जगह आईटी परस्पेक्टिव से काम होता है। आईटी से काम करते ही डेटा उछल कर बाहर आ गया, अब वो उछलने लग गया है डेटा, अब मूव करने लग गया है, रिस्क बढ़ गया। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर से आपने साथ में इंटरनेट लगा दिया, इंटरनेट लगते ही वायरसेस आ जाएंगे, तो आपके सिस्टम को बाहर से हैक किया जा सकता है अगर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं। कई बार क्या होता है, आप अपने इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, आपका अपना डेटा है, आप बहुत बड़ी कंपनी हो, कोई ड्रग्स डेवलप कर रही हो, तो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है आपके सिस्टम्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वहाँ पर खेल होता है। अगर एक दवाई, कैंसर की दवाई कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, वो कैंसर की दवाई की रिसर्च अगर आपकी सक्सेसफुल हो रही है तो उसमें रिसर्च में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर अगर किसी ने इंटरनेट के साथ आप जुड़े हुए हो तो कोई भी उसे हैक कर सकता है, उस डेटा को चोरी कर सकता है, और वहाँ पर ये इनहेरेंट रिस्क आ गया है। तो हमने जाना था ऑडिटर क्या करेगा, प्लान करेगा, और प्लानिंग में क्या करेगा, प्लानिंग का डिलीवरेबल क्या होगा, ऑडिट प्रोग्राम होगा। प्लानिंग के बाद वो एक ऑडिट प्रोग्राम आपके पास डिलीवरेबल के रूप में आएगा, लेकिन उस डिलीवरेबल के आने से पहले प्लानिंग के और पार्ट्स हैं, जैसे प्रीलिमिनरी असेसमेंट। प्रीलिमिनरी असेस करेगा, पहले देखेगा तभी वो ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा। प्रीलिमिनरी असेसमेंट में क्या करेगा, कई चीज़ें करेगा। प्रीलिमिनरी असेसमेंट में बिजनेस के बारे में नॉलेज करेगा। एक अच्छा ऑडिटर कंपनी के बारे में पता करते ही वो जान जाता है कि ये किस टाइप की कंपनी है, अगर एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर को पता चल जाता है। मटेरियलिटी देखेगा, उसके बाद लीगल इश्यूज देखेगा, टेक्नोलॉजी देखेगा, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में नॉलेज लेगा। उसके लिए वो सब्सटेंटिव और कंप्लायंस ऑडिट लिमिटेड कर सकता है, यानी कंपनी में जाकर क्वेश्चनिंग कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है, प्लानिंग की स्टेज में ऑडिटर जो है इनहेरेंट कंट्रोल और डिटेक्शन रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, एसेस करेगा। आइडेंटिफाई तो नहीं, एसेस करेगा, आइडेंटिफाई नहीं, आइडेंटिफाई कर सकता है, ब्रॉडली आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन असेसमेंट करेगा उनका, कहाँ पर एक्सपेक्टेड इनहेरेंट कंट्रोल और डिटेक्शन रिस्क है। क्योंकि इस लेवल पर वो प्लान कर रहा है, उसे पता नहीं है, अभी ऑडिट करेगा तब उसे पता चलेगा, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो एक्सपेक्टेड इनहेरेंट रिस्क, एक्सपेक्टेड कंट्रोल रिस्क, एक्सपेक्टेड डिटेक्शन रिस्क का असेसमेंट करेगा, कहाँ कहाँ पर होता है, अभी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। आइडेंटिफिकेशन तो ऑडिट की प्रोसेस के बाद होगा, अभी वो प्लानिंग की प्रोसेस में है तो वो असेसमेंट करेगा, असेस करेगा, अभी तो प्लान कर रहा है तो प्लानिंग वो असेसमेंट
करके बना रहा है, प्रीलिमिनरी रिव्यू ले रहा है, प्रीलिमिनरी असेसमेंट है। तो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क के बारे में आइडिया लेगा और वो देखेगा सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज कौन से हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे एक बैंक है, बैंक में सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जहाँ है वो सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया है। अगर एक ड्रग की कंपनी है जहाँ ड्रग की रिसर्च हो रही है वहाँ सीक्रेसी रहनी चाहिए, वो एक सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया है। जो BPO है वहाँ पर दो टाइप की प्रोसेस है, एक वॉइस प्रोसेस है और एक होती है अकाउंटिंग आउटसोर्स कर दी गई है। अकाउंटिंग आउटसोर्स में डिले चलता है, लेकिन जहाँ पर वॉइस सपोर्ट आ रहा है, जैसे HSBC बैंक अमेरिका को सपोर्ट दे रहे हैं, रात को बैठकर कॉल कर रहे हैं, एक मिनट भी अगर लाइन डाउन हुई तो वहाँ कई कस्टमर कॉल कर रहे होंगे, उस समय उनको आंसर नहीं मिला, उस समय कॉल अनआंसर्ड रह गई, वो कस्टमर झल्ला सकते हैं, वो कह सकते हैं इसकी सर्विस सही नहीं है, इस बैंक की सर्विस सही नहीं है। तो आपको सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज को देखना पड़ेगा, मटेरियलिटी लेवल को सेट करना पड़ेगा ऑडिट पर्पस के लिए। एक एक्सपेक्टेड रिस्क है, एक्सेप्टेबल रिस्क है, वो मैनेजमेंट सेट करेगा, लेकिन एक आपका ऑडिट रिस्क है, एक्सेप्टेबल ऑडिट रिस्क, वो आप सेट करोगे। दो चीज़ें हैं, कंपनी एक्सेप्टेबल IT रिस्क बताएगी, ये हमारा एक्सेप्टेबल IT रिस्क है। आप एक्सेप्टेबल ऑडिट रिस्क आप अपने लिए क्रिएट करोगे, क्योंकि ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की है। तो यानी कि दो तरफ से रिस्क की सेटिंग होगी, आप जो ऑडिट कर रहे हो आप गलत ओपिनियन तो नहीं दे पा रहे हो, कहीं गलत ओपिनियन तो नहीं दोगे। इसका जो रिस्क है उसके लिए मटेरियलिटी लेवल सेट करोगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी IT ऑडिटर की। यानी दो टाइप से, फिर से मैं कह रहा हूँ, दो जगह रिस्क की सेटिंग होगी। एक रिस्क की सेटिंग होगी कंपनी के एंड में, वो कहेगी मेरी कंपनी का IT रिस्क ही है। एक रिस्क की सेटिंग होगी ऑडिटर के एंड में, वो ओपिनियन दे रहा है, वो ऑडिट रिस्क को वहाँ पर सेट करेगा। उसके अलावा क्या है, वनरेबिलिटीज़ देखी जाएंगी, कहाँ पर कमजोरियाँ हैं, या देखा जाएगा पहले तो फ्रॉड नहीं हुए। कई बार पहले फ्रॉड होते हैं तो कंपनी उस एरिया में मजबूत हो जाती है, और कई बार पहले फ्रॉड होते हैं तो उसके कंट्रोल वीकनेसेस के बारे में पता चलता है कि और जगह फ्रॉड हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ का ऑडिटर को असेसमेंट करना पड़ेगा। तो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, ऑडिटर को ये बताएगा कि फाइनल ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या है। मतलब ओवरऑल ऑडिट रिस्क तीन कंपोनेंट में डिवाइड होगा, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। और फिर वो ये देखेगा ये पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिस्क में ऑडिट असाइनमेंट में ओके है, क्योंकि ऑडिटर क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है, 100% एश्योरेंस नहीं देता है, और उसके ऑडिट में कुछ ना कुछ रिस्क रह जाता है। वो ये नहीं कहता कंपनी में जाके 100% एश्योरेंस है, अगर वो कहता है तो गलत कहता है, हमने पढ़ा है कि 100% एश्योरेंस नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस है। तो रीजनेबल एश्योरेंस है तो कुछ चांसेस हैं ओपिनियन को गलत होने के, उस रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए, अनरीजनेबल एश्योरेंस नहीं होना चाहिए, ये ऑडिटर का रिस्क है, ऑडिट रिस्क है। तो हम ये कह सकते हैं ऑडिट रिस्क जो है इंटरनल कंट्रोल, या सॉरी इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, तीनों एक ऑर्गेनाइजेशन में इन तीनों चीज़ों को मिला दो वो ऑडिट रिस्क हो जाएगा। तो यानी कि फिर से मैं बोलता हूँ, दो टाइप के रिस्क हैं, एक रिस्क है ऑडिटर का, एक रिस्क है कंपनी का। कंपनी का IT रिस्क है, उसने IT का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, IT की वजह से कंट्रोल वीक ना हो जाए, ये कंपनी का रिस्क है। यानी कि कंपनी ये देखेगी कहीं वायरस ना आ जाए, कहीं हैकिंग ना हो जाए, कहीं डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी वायलेट ना हो जाए, ये कंपनी का रिस्क है, और वहाँ पर वो एक्सेप्टेबल लेवल क्रिएट करेगी। ऑडिटर का रिस्क ये है कि उसको ऑडिटर को ओपिनियन देनी है, उसी के ओपिनियन पर रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है, वो कंपनी रिलाई कर रही है उसके रीजनेबल एश्योरेंस में, वो रीजनेबल एश्योरेंस 100% एश्योरेंस नहीं है, लेकिन वो अनरीजनेबल एश्योरेंस भी नहीं होना चाहिए। तो ऑडिट रिस्क, इंटरनल इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क तीनों का प्रोडक्ट होता है, मतलब तीनों को मिला दो वो उसका ओवरऑल ऑडिट रिस्क है। ओवरऑल ऑडिट रिस्क मटेरियल नहीं होना चाहिए, नॉन मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल हो जाएगा तो उसकी ओपिनियन अनरीजनेबल ओपिनियन हो जाएगी, रीजनेबल ओपिनियन नहीं रह जाएगी, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे पाएगी उसकी ओपिनियन, अनरीजनेबल ओपिनियन हो जाएगी, कि अनरीजनेबल ओपिनियन जैसा वर्ड नहीं है, अनरीजनेबल एश्योरेंस जैसा वर्ड नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये वर्ड है रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है।
तो इनहेरेंट रिस्क हम बता चुके हैं इनहेरेंट रिस्क क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इनहेरेंट रिस्क बेसिकली क्या है कि आपने मैनुअल में चीज़ रखी है, अब आईटी में रख रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन रिसोर्स में कुछ रिस्क एडिशनल हो जाता है। इंफॉर्मेशन रिस्क में इंफॉर्मेशन भागने लगती है, इंफॉर्मेशन रिस्क में कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी का रिस्क आ जाता है। कई बार इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है जो कि होनी चाहिए। कई बार आप एटीएम में जाते हो, झल्ला के बाहर निकलते हो, कोई सरकारी बैंक का एटीएम कहते काम ही नहीं कर रहा है, वहाँ अवेलेबिलिटी पुअर है। कई बार फ़ोन में बात करते हो रात को, कोई प्रॉब्लम आती है तो रात को कॉल सेंटर में बात करते हो किसी फ़ोन के, जैसे आइडिया के कॉल सेंटर या रिलायंस के कॉल सेंटर। कई कॉल सेंटर रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी जवाब देते हैं और कई कॉल सेंटर जवाब नहीं देते, वहाँ अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो इंफॉर्मेशन रिसोर्स या इन्फॉर्मेशन रिसोर्स कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिन रिसोर्स को कंट्रोल कर रहा है, मानो बड़ा आपने एक सॉफ्टवेयर लगाया और वो सारी इन्वेंटरी दे देता है आपको, वो बता देता है सारे हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। आपने एटीएम चला रखा है, उसे भी एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। वहाँ पर चोरी हो जाना, कोई चीज़ तोड़फोड़ हो जाना, अनऑथराइज डिस्क्लोजर हो जाना, अनऑथराइज मॉडिफिकेशन हो जाना, अनऑथराइज मॉडिफिकेशन यानी इंटेग्रिटी वायलेट हो गई, अनऑथराइज डिस्क्लोजर यानी कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट हो गई, या किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो प्रॉब्लम कई रीजन से आ सकती है। पहला रीजन तो यह है कि आपने इंटरनल कंट्रोल लगाए उसके बावजूद प्रॉब्लम आ गई, उसे कंट्रोल रिस्क कहते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए आप इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाते हैं, तब प्रॉब्लम आने के जो चांसेस हैं वो इनहेरेंट रिस्क कहलाता है, वर्जिन रिस्क, विदाउट सिक्योरिटी। यानी कि आपने अपने घर, आपने एक मकान बनाया, मकान में आपने ताला नहीं लगाया और घर में कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं रखी, घर के अंदर कुछ नहीं है, आपने कंट्रोल्स नहीं लगाए, विदाउट कंट्रोल्स चोरी के चांसेस क्या हैं? कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं उस घर में, एक कोल्ड शेल बना हुआ है, अभी कुछ लगा ही नहीं है उसमें, एक दीवारें खड़ी की हैं बस, दीवारें कहीं पर खड़ी करके आप आ गए। लेकिन अब आपने उस दीवार भी बना दी और वहाँ पर एक एसी लगा दिया, अब आपने मकान बना दिया उसमें एसी लगा के रख दिया या वायरिंग लगा के रख दी, तो इनहेरेंट रिस्क बढ़ गया। अब आप ताला लगा के नहीं जा रहे हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बिना ताला लगाए हुए जो ये रिस्क बढ़ा है, ये इनहेरेंट रिस्क है। ये कंट्रोल्स के बावजूद है, कंट्रोल्स ना लगाओ तब क्या रिस्क है? अब अगर आपने उस घर में सोना रख दिया और ताला नहीं लगा हुआ है, रिस्क बढ़ गया। इस रिस्क को इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। एक गाड़ी 20 की स्पीड में चल रही है, अब वो 120 की स्पीड में चलने लगी, गाड़ी वही है, ड्राइवर वही है, इनहेरेंट रिस्क बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई। आपने शूमाकर बैठा दिया गाड़ी में तो बात अलग है, वो इनहेरेंट रिस्क, वो फिर कंट्रोल लगा दिया, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो सकता है और उसे कंट्रोल रिस्क कहते हैं। यानी शूमाकर बैठने के बावजूद जो एक्सीडेंट हुआ वो तो कंट्रोल रिस्क है, लेकिन शूमाकर के बिना नॉर्मल आदमी दो गाड़ियों में बैठा है, एक की स्पीड 20 में चल रही है, एक की स्पीड 120 में चल रही है, जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं, इनहेरेंट एक्सीडेंट के चांसेस विदाउट कंट्रोल्स, वो इनहेरेंट रिस्क कहलाएगा। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग को ऑडिट कर रहे हो, एक नॉर्मल बैंकिंग को ऑडिट कर रहे हो तो उसमें रिस्क कम होगा, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग को ऑडिट कर रहे हो तो वहाँ इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा होगा। अगर मान लिया सपोज एक ऑनसाइट एटीएम है या ऑफसाइट एटीएम है, ऑनसाइट एटीएम साइट में एटीएम है, बैंक के अंदर एटीएम है, वहाँ पर रिस्क कम होगा। अगर एक एटीएम आपने बाहर लगा रखा है वहाँ रिस्क ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली हो गया, भले ही गार्ड रखोगे, गार्ड रखते ही वहाँ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते दोनों का, आपको ये पता करना है बिना गार्ड रखे क्या रिस्क है कि नहीं रिस्क है। वहाँ गार्ड रखना पड़ेगा, इसका मतलब एक रिस्क, कुछ रिस्क बढ़ गया है, गार्ड रखना पड़ेगा। जैसे ही आपने कहा, आपने प्लानिंग स्टेज में आए, आपने कहा मैं ये करने वाला हूँ, वहाँ फिर आपने सोचा अरे यार इसमें तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो इसका मतलब इनहेरेंट रिस्क बढ़ गया है। तो इनहेरेंट रिस्क, एक रिस्क को नापने का तरीका, वैसे रिस्क को नहीं नाप सकते, रिस्क फ्यूचर ओरिएंटेड है, एक आइडिया लगा सकते हैं, रिस्क अनसर्टेनिटी है, रिस्क फ्यूचर में है। रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए स्ट्रेटेजिक लेवल पर किया जाता है क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, वो अपने कई चीज़ इंट्यूशन भी यूज़ करते हैं,
वैसे इंट्यूशन साइंस नहीं है वो, थर्ड सिक्स सेंस जिसे बोलते हैं, वो सिक्स सेंस का यूज़ करते हैं, सिक्स सेंस साइंस नहीं है। लेकिन इसीलिए टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि हम आगे हमने डिटेल वे में एक्सप्लेन कर रखा है। तो बेसिकली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले इनहेरेंट रिस्क का मतलब आए तो इनहेरेंट रिस्क का मतलब ये होता है कि इंटरनल कंट्रोल इग्नोर कर दीजिए, इंटरनल कंट्रोल ही नहीं मानिए। अभी आप प्लानिंग स्टेज में हैं और आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं बिना कंट्रोल्स लगाए हुए, आप कंट्रोल्स में एक रुपया भी खर्च नहीं कर रहे हैं, ये समझ लीजिए बजट ही नहीं है। आप उस कंट्रोल्स को हटा रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या रिस्क है, उसे इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, असल में क्या होता है रिस्क होता है, रिस्क जो होता है जब आप ऑडिट करने जाते हो तो क्या होता है रिस्क को समझने की कोशिश की गई है, और जब साइंटिफिकली चीज़ों को समझने की कोशिश की जाती है तो स्प्लिट किया जाता है। तो सबसे पहले कंट्रोल्स लगे, कंट्रोल्स को आप देखते हो और देखते हो कंट्रोल्स के बावजूद रिस्क हो जाए, कंट्रोल्स भी डिजास्टर को प्रिवेंट नहीं कर पाए तो उसे कंट्रोल रिस्क कहते हैं। अब आप सब्सटेंटिव ऑडिटिंग स्टार्ट कर दिया तो वहां पर क्या होता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने के बावजूद भी, दो टाइप के प्रोसीजर होते हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कंप्लायंस प्रोसीजर लगने के बावजूद भी जो रिस्क होगा, अगर आपने अच्छे लेवल के कंट्रोल्स लगाए, एक रीजनेबल लेवल, आप 100% कंट्रोल्स नहीं लगा सकते हो, रीजनेबल कंट्रोल्स लगा सकते हो। अगर आपने रीजनेबल कंट्रोल्स लगाए हैं उसके बावजूद भी जो रिस्क है वो कंट्रोल रिस्क है। डिजास्टर इन स्पाइट ऑफ क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल, वो कंट्रोल रिस्क है। दूसरा है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, चेकिंग करना स्टार्ट करते हो, इंडिविजुअल लेवल पर ट्रांजैक्शन को चेक करना पड़ा, उसके बावजूद भी एज एन ऑडिटर आप गलत ओपिनियन दे रहे हो, कंट्रोल्स के बावजूद भी आप गलत ओपिनियन दे दे रहे हो तो क्या हो गया, कंट्रोल रिस्क हो गया। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई किए उसके बावजूद भी आप गलत ओपिनियन दे दे रहे हो तो डिटेक्शन रिस्क हो गया, डिटेक्ट नहीं कर पाया, कोशिश की, घर में गए, पूरी कोना कोना छान मारा आपने लेकिन फिर भी डिटेक्ट नहीं कर पाए, चोरी कहाँ हुई, डिटेक्शन रिस्क हो गया। आपने हर वाउचर देखा फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, वो डिटेक्शन रिस्क, क्योंकि आगे वाला आदमी बहुत चालाक है। मैनुअल में ये बहुत ज़्यादा होता था, ऑटोमेटेड में ये कम होता है, ऑटोमेटेड में पता चल जाता है, क्योंकि ऑटोमेटेड में कंप्यूटर छिपाने की कोशिश नहीं करता, और कंप्यूटर को आप पीटोगे मारोगे नहीं, आप वहाँ पर लॉजिकली सोचोगे, आदमी आएगा तो आप उसकी नौकरी से निकाल दोगे उसे, तो वो छिपाने की कोशिश करेगा। तो डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्शन करने की कोशिश के बावजूद जो रिस्क हो गया वो डिटेक्शन रिस्क हो गया, कंट्रोल्स लगने के बावजूद भी जो रिस्क हो गया वो कंट्रोल रिस्क हो गया, और कंट्रोल्स सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के बिना जो रिस्क बढ़ा उसे इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। यानी कि जो जैसे ही आपने वो प्रोसेस लगाई रिस्क बढ़ गया उसको इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। तो तीन चीजें हैं इनहेरेंट रिस्क, बेसिकली क्या है, अब ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन में घुस रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसा, उसने देखा है इंटरनेट लगा हुआ है, उसने ये देखा हाई स्पीड इंटरनेट लगा हुआ है, उसने देखा सबको लैपटॉप दिया हुआ है और लोग वर्क फ्रॉम होम है सबका, यानी घर से काम कर रहे हैं, उसने देखा कि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस किस एक पर्टिकुलर जगह पर रखा हुआ है और उसी से कम्युनिकेशन हो रहा है, लीज लाइन है नो डाउट, उसने ये देखा कि वेंडर्स हैं उन्हें कोई चीज़ मैनुअली नहीं दी जाती है, उनको इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू चली जाती है, हमें माल चाहिए ऑटोमेटिकली चली जाती है। यानी कि एक शॉपिंग की उसने बनिया की दुकान से, एक आदमी सॉरी वो एक ऑडिट करने गया बनिया की दुकान में, उसने देखा सब लोग आ रहे हैं और नॉर्मल काम कर रहे हैं, और एक शॉपिंग की फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट में कार्ड स्वाइप किया, उससे पैसा निकला, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हुई और माल आपके घर में पहुंच गया। इनहेरेंट रिस्क फ्लिपकार्ट में ज़्यादा है, इनहेरेंट रिस्क अमेजोन में ज़्यादा है, इनहेरेंट रिस्क उस जगह ज़्यादा है जहाँ पर बंदा जहाँ जिस जगह जिस कंपनी में इंटरनेट है, जिस जगह में जितने आईटी सिस्टम्स हैं वहाँ का इनहेरेंट रिस्क बढ़ जा रहा है, वहाँ का डेटा मूव करने लगेगा, भागने लगेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी वायलेट हो सकती है वहाँ पर। तो यानी कि कंपनी का इनहेरेंट रिस्क बढ़ा, वहाँ पर इनहेरेंट रिस्क बढ़ा, इसका ऑडिट रिस्क बढ़ गया। कंपनी में इनहेरेंट रिस्क बढ़ा, इसका ऑडिट रिस्क बढ़ गया। तो ऑडिटर को क्या है, इनहेरेंट रिस्क एसेस करना पड़ेगा। इसी तरीके से कंट्रोल रिस्क है,
कंपनी में कंट्रोल्स लगा दिए गए, उसके बावजूद भी रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल से ऊपर हो जाएगा। ध्यान रहे, इनहेरेंट रिस्क भी एक्सेप्टेबल लेवल से नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट ने एक एक्सेप्टेबल लेवल डिफाइन की है, उससे नीचे रिस्क है कोई दिक्कत नहीं, उससे ऊपर है नॉन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ इनहेरेंट रिस्क आ गया। ये चीज़ मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। अगर मैनेजमेंट ऑडिटर जाता है, मैनेजमेंट बोलता है यार यहाँ डेटा है, डेटा चले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डेटा क्रिएट फिर से क्रिएट हो सकता है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी कॉस्ट लगती है, एक आदमी बैठा रखा है 15,000 रुपये का, उसके 4 दिन लगते हैं, फिर से डेटा क्रिएट कर देंगे, इंटरनेट से ही तो उठाना है डेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई देख भी ले तो कोई बात नहीं, हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ट्रांसपेरेंट चीज़ों को रखते हैं, इंटेग्रिटी वायलेट हो जाए कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी जरूरत ही नहीं है, वैसी पब्लिक है हमारी इंफॉर्मेशन, हम तो प्राइवेसी में बिलीव ही नहीं करते। यानी एक्सेप्टेबल लेवल डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी वायलेट होने का एक्सेप्टेबल लेवल बहुत हाई है, इनहेरेंट रिस्क बहुत कम है। दूसरी तरफ है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या है कि अगर मान लें सपोज एक एक्सेप्टेबल लेवल है, रिस्क का एक एक्सेप्टेबल लेवल है और कंट्रोल्स लगा रखें ताकि रिस्क को उस लेवल तक लाया जाए, उसके बावजूद भी एक्सेप्टेबल लेवल से ज़्यादा रिस्क हो जाता है, उसके बावजूद भी कंट्रोल्स टूट जाते हैं, उसके बावजूद भी एरर हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और मटेरियल एरर हो जाते हैं, इन एरर को प्रिवेंट नहीं किया जा पाता, डिटेक्ट कई बार और यह करेक्ट नहीं किया जा सकता। एरर का प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन, तीन चीज़ हमने पढ़ा था, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, डिटेक्टिव कंट्रोल्स, करेक्टिव कंट्रोल्स, डायरेक्टिव वगैरह भी पढ़े थे, लेकिन बेसिकली क्या है यहाँ पर, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव कंट्रोल्स काम नहीं करते, टाइमली बेसिस में काम नहीं करते, कंट्रोल रिस्क हो जाएगा। ध्यान रहे, कंट्रोल रिस्क तभी होगा जब रिस्क टॉलरेबल लेवल से ऊपर हो जाए, क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, ऑडिटर को इस चीज़ को एसेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो कंट्रोल रिस्क हो गया उसका जिस जहाँ ऑडिट करने जा रहे हैं, दूसरी बात ऑडिटर अपनी ऑडिट रिस्क देख रहा है, वो कह रहा है कि अगर यहाँ पर ये टॉलरेबल लेवल से एक्सीड कर गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी ओपिनियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मटीरियल एरिया नहीं है और ओवरऑल मटीरियलिटी को वायलेट नहीं करता है, कोई बात नहीं, ऑडिटर आगे चले जाएगा। अगर उसे लगता है इसको इग्नोर करने से, इस एरिया को इग्नोर करने से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगा, तो ऑडिटर क्या करेगा, फिर ओपिनियन देगा। इसके बाद है डिटेक्शन रिस्क।